अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान। मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ASD डिस्कस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं हमारा मुंबई एग्जीबिशन सेंटर, जहाँ पर फिश रिलेटेड, यानी टैंक रिलेटेड, ऑर्नामेंटल फिश रिलेटेड एक शो हो रहा है ना। तो हम लोग उसको जाएंगे, आज शूट भी करेंगे और वहाँ पर जाकर थोड़ा मज़ा भी करेंगे ना। तो अकेले जाने में तो आपको पता है अकेले जाकर आदमी कितना क्या करेगा। तो आज हमारे साथ दो गेस्ट है ना, जिसको आप लोग जानते हैं भाई, है ना। हमारे साथ है आज रितेश भाई और इम्तियाज भाई है अपने, है ना, दोनों, है ना, माशाल्लाह। तो अभी बाकी भी है, प्रसाद भाई है और इब्राहिम भाई वहाँ पहुँच गए ले, और इमरान भाई भी है, सब लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पर। तो आज हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, अभी जाएंगे और फिर समझो एक छोटा सा हमारे ग्रुप का मीटअप भी हो जाएगा उधर, है ना। तो हमारे बहुत सारे लोग आपस में मिल नहीं पा रहे, इम्तियाज भाई क्या बोलते हैं, बहुत दिन से, है ना। तो हम लोग वही सोचे कि भाई जाएंगे और मिलते हैं फिर, तो वहाँ पर मिलते हैं फिर, और फिर वहाँ पे भी आपको बताएंगे क्या क्या प्लांटेशन का है और क्या है। मैं भी फर्स्ट एग्जीबिशन हमारा अटेंड करने वाला हूँ, और इम्तियाज मैंने भी आज तक नहीं किया, मैं तो नहीं किया था। क्या रितेश भाई आपने किए? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम है ना। तो हम लोग सबका फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, तो जाके देखते, बहुत मजा आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा देखना, और बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, अगर आप लोग भी वहाँ आ रहे हो तो मिलो, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ गए प्रसाद भाई, प्रसाद सालूम के भाई, हाय कर दो प्रसाद भाई सबको। पार्किंग यहाँ पे ढूंढ रहे हम लोग, और इम्तियाज भाई तो यहाँ पार्किंग लगा देंगे, मैं उतर जाता हूँ। और भी तो पार्किंग का देख लेना ना कैसा है इम्तियाज, तू मेरे को, हाँ ये देखना, मार रहा है ना इधर बैठ के। पार्किंग के अंदर एडजस्ट कर लेंगे, फिर बाद में आगे का शूट करेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं इम्तियाज भाई? बस एकदम, अभी तो हम लोग पहुंच चुके हैं नेस्को में, पार्किंग लगा है, अब जा रहे हैं। इब्राहिम भाई भी वहाँ वेटिंग कर रहे हैं, और इब्राहिम भाई मेरे को शूट करने नहीं दे रहे, फोन पे फोन रिकॉर्डिंग के बीच में तो मैं रुका है, और इब्राहिम भाई को एक बार हाथ दिखा दिया कि भाई हमारे पास क्या प्रोफेशनल लोग है, ढूंढने की जरूरत नहीं है भाई, क्या बोलते इब्राहिम भाई। और दो प्रोफेशनल आगे चल रहे और एक मेरे साथ रहे। आज के व्लॉग में फ्रेंड देखो बहुत मजा आएगा, एंट्री फॉर्म वगैरह भी है, वो देखते कैसा है। तो अभी इब्राहिम भाई से मिला तो उनका रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं, बल्कि बाजू में रहते हैं, लेकिन उनका लाइन बहुत बिजी है, लेकिन अभी चलो उनका भी रिएक्शन लेते हैं अपन, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। इब्राहिम भाई क्या बोल रहे हैं? अस्सलाम कैरियत भाई। राय देखो फ्रेंड, ब्लॉग के बाद आज मिल रहे मेरे को, हाँ बहुत मशगूल आदमी, बहुत अच्छा लगा इब्राहिम भाई, देख लिया आप अंदर? हाँ भाई अंदर ही था, चलेंगे अभी अंदर, अपन कुछ करेंगे। अच्छा कैसा है, देखने लायक है ना अपने?
देखने लायक है, डिस्कस के दो तीन टैंक है। अच्छा, और बाकी अपना नॉर्मल प्लांटेशन के भी है, प्लांटेशन भी। अच्छा, ऑर्नामेंटल के भी? ऑर्नामेंटल काफी है, और फूड वगैरह के स्टॉल अंदर बहुत है। ओ भाई देखो फ्रेंड, बहुत मजा आएगा। कौन सा फूड वूड है ना, डॉग फूड, कैट फूड वगैरह बहुत है, बहुत बड़ा स्टॉल वगैरह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एग्जीबिशन है। तो कुछ ना कुछ नया देखने मिलेगा, सीखने मिलेगा, तो आप लोग सब साथ में रहो, बहुत मजा आएगा। क्या बोलते हैं इम्तियाज भाई? हाँ भाई, मजा आएगा कि नहीं? जरूर जरूर, एकदम मजा आएगा। बने रहो, लगे रहो और देखते रहो। अपना अपना स्टॉल कहाँ पे? फ्रेंड, हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर पे रुके। अभी जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वाला उसको भेजो, है ना। प्रसाद भाई तो कर रहे हैं। रितेश, आपको कैसा लग रहा है? एक्साइटमेंट है? हाँ भाई, देखने तो मजा आ रहा है अभी से। इतना बड़ा बड़ा फुल लगा है। ओके, सब डॉग्स हैं, सबका सारे पेट्स का है अंदर। मेरे को पता नहीं था फ्रेंड इतना बड़ा होने वाला है इवेंट अपना, लेकिन बहुत अच्छा है। अभी एक्सप्लोर करेंगे क्या चीज है। ठीक है, चलो आगे एग्जीबिशन के अंदर। हाँ बोलो ना। देखो एंट्रेंस भी है। क्या बोलते रितेश, कैसा है एटमॉस्फेयर? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। देखते ना अभी भाई कैसा है, करेंगे तो और समझेगा। हाँ अभी तो फ्रेंड हम लोग अभी जस्ट घुसे हैं, जरा देखते हैं कैसा स्टॉल्स वगैरह है, क्या है। सब डॉग्स का अंदर और बर्ड्स के, इसलिए सब। हाँ तो जो भी है, अभी प्रसाद तो हमारा डॉग वाला भी है, ट्रेनर भी है, है ना, ऑलराउंडर है वो, तो वो तो सब चीज में देखेगा। थोड़ा हम लोग को और भी नॉलेज मिलेगा, तो देखना बहुत मजा आएगा फ्रेंड। ठीक है, आज फ्रेंड्स अभी यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को पहला डिस्कस टैंक देखने के लिए मिला है। देखो अभी कैसा है पहला डिस्कस टैंक। ठीक है, यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, इवेंट तो बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा इवेंट है। और मतलब कैट फूड है, डॉग फूड है और फिश का भी है। हम लोग ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि फिश इंडस्ट्रीज को लेके पहला कुछ बड़ा इवेंट हो रहा है ना। अभी तक ऑर्नामेंटल फिश के लिए मुंबई में इतना बड़ा इवेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर आके अभी बहुत अच्छा लग रहा है। तो व्यूअर पूरा देखना, बहुत मजा आएगा, है ना, पक्का। तो अभी आप लोग देखो अभी कैसा है। मैंने तो मतलब अभी जस्ट एंट्री मारा, एंट्री कराई और देख रहे हैं अंदर। फिशेज वगैरह तो अभी तक मेरे को ऐसा नहीं हुआ है, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है ना डिस्कस में, नहीं ऑर्नामेंटल में। डिस्कस तो मुझे नहीं लग रही इतना सारा रहेगी, अगर तो है डिस्कस के स्पेसिफिक शो होता है तो उसके अंदर होती है, लेकिन फॉर प्लांटेशन वगैरह और टैंक्स वगैरह और फूड वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। जो हमारे साथ इम्तियाज़ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। देखो मच्छी तो ये लोग सब फिश लवर है, डॉग लवर है, कैट लवर है, सब लोग है साथ में, तो व्लॉग में पूरा बने रहो, बहुत मजा आएगा। कैसा लेता ना प्रोडक्ट एनालिसिस, ये वन शॉट। ये है एंट्रेंस के ऊपर है ना। हाँ देखो बोल रहा था विजुअल्स कैसे आते हैं, समझ रहे हैं, विजुअल्स के अंदर मेरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब हम लोग भी प्रसाद भाई को पूछेंगे भाई क्या चल रहा है, तो इधर है ना पूरा फुल डिस्कशन चल रहा है, देख रहे हैं आप भाई चालू है। क्या बोलते हैं प्रसाद भाई? देखो भाई मेरे को छोड़ छोड़ के भागूंगा यार, देख रहा हूँ अभी नए नए चीजें मिल रही है। रितेश भाई एकदम फाने हैं, मतलब उसके फटाक से मतलब डिस्कस रिलेटेड बोले नॉलेज जमा कर लो, खाना वाना सब ले लो, दिख रहा है कुछ तो देखने वाला, देखते हैं कुछ। देखो हमारा सवाल है ना सेम था कि कलर जो है वो चेंज नहीं होना है ना, बहुत सारे चीप प्रोडक्ट है अगर उसका कलर चेंज होता है। तो अभी इब्राहिम भाई ने ना सैंपल लिए उनसे, तो अभी वो यूज़ करेंगे उसके बाद बताएंगे क्या हो रहा है ना। बाकी मार्केट प्राइस से तो बहुत चीप है। ठीक है, तो अभी हम लोग को फिलहाल ये एक चीज़ मिली डिस्कस रिलेटेड। प्रोडक्ट एनालिसिस इब्राहिम भाई ने तो ले लिया, प्रसाद ने भी ले लिया है और बाकी सब ने भी ले लिया। अभी देखते हैं अगर कोई लेता है यूज़ करेगा तो इसका फीडबैक बताएगा आपको कैसे। अभी तो मार्केट में नया है, अभी देखेंगे आगे। फर्स्ट टाइम है ना लोग बोल रहे हैं, फर्स्ट टाइम लॉन्च है, फर्स्ट टाइम इधर लॉन्च हुआ इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ। देखेंगे अपने डिस्कस फील्ड में कैसा चलता है, फिश वगैरह कैसा खाती है उसको, वो सब भी देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम लोग को यहाँ मिल गए हैं मुनाफ पटेल। आपने हमेशा वीडियो में सुना है, कभी आते नहीं वीडियो में, बहुत बिजी रहते, लेकिन आज मैं एग्जीबिशन में पकड़ लिया हूँ। तो मुनाफ भाई व्यूअर्स को खाली सलाम कर फ्रेंड, बहुत साल से मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ ना, हम लोग ने मतलब खाना जो डिस्कवर किया ना डिस्कस फिश का, वो हम लोग ने साथ में किए। तो मुनाफ भाई बहुत एक्सपीरियंस है, सालों से पाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोलते हो मुनाफ भाई, कह रहे थे अभी आए कि टाइम हो गया? नहीं अभी 10-15 तो ये भी डिस्कस एक्सपर्ट है भाई, इनसे भी एक वीडियो बनाएंगे, थोड़ा ट्रेनिंग लेंगे। क्या बोलते हैं भाई? देखो रेसिंग में इनका हाथ बहुत अच्छा है फ्रेंड, मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को, ये मुनाफ भाई जैसा मच्छी रेस कर लेते ना, ऐसा मैं बहुत कम लोगों को देखा। ये बहुत छोटी स्पेस में बहुत अच्छी साइज में रेस कर लेते, तो बहुत जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे मुना भाई तो यहाँ मिले, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ में हमारे साथ में यार अब्दुल भाई।
अब्दुल भाई भी है भाई, ठीक है, अभी नए हॉबीस्ट है, अभी डिस्कस पालना शुरू किया, मुनाफ भाई के दोस्त है, अभी अपने से फिश भी लेकर गए हैं लास्ट, तो अभी देखते कैसी है अब्दुल भाई फिश, अच्छी ना, खाना वगैरह सब खा रहे हैं, यही रहता ना, मैं थोड़ा मशगूल रहता हूँ, लोग आते भी उस दिन भी आए, फिर तो मैं माफ़ करना भाई, वैसे ही अपन शूट कर रहे थे इसके लिए, ठीक है, तो फिर अभी मिलते हैं, देखते हम लोग भी अब भी पहुँचे शूट आ जाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर कोई डिस्कस फिश है, लोग देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पर ये लोग का चालू है, क्या बोलते हैं रितेश भाई, मज़ा आ रहा है, क्या बोल रहे इंतजार, बहुत मज़ा आ रहा है एकदम, मज़ा तो आ रहा है, अभी कैसा है, हाँ मुना भाई घूमो ना, मिलो ना मैं, क्या बोल रहे हो, बोलो अभी कैसा, दो तीन साल से तो देख देख के अपनी मच्छी थक गए, तो अभी बाहर भी कुछ देख के थोड़ा एंजॉयमेंट होना बहुत जरूरी है। नहीं तुम बोल रहे थे ना, नहीं बहुत सारे जन बोल रहे थे, रितेश भाई भी बोल रहे थे कि भाई इम्पोर्टेड देखो भाई, रितेश भाई इम्पोर्टेड देखो, देख रहे हाँ, और काउंटर पे प्राइस भी पूछो तो आप लोग को थोड़ा आइडिया आ जाएगा ना, कितना प्राइस है, क्या है। Thank you.
डैम में क्या बोलते हैं, मरीन की यादें ताजा हो गई, मजा आ गया, होते हैं एग्जीबिशन में तो अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन बहुत मतलब मरीन का भी तोड़ नहीं है क्या यार, एकदम खूबसूरत है लेकिन हाई मेंटेनेंस है, हाई मेंटेनेंस है, अगर फिश ओनली टैंक रहेगा तो थोड़ा ठीक है, लेकिन पानी और टेम्परेचर ये सब मायने रखता है, और दूसरा मरीन में मोस्टली ये चीज़ का खतरा बहुत रहता है, खास करके टैंक रहेगा बहुत जल्दी व्हाइट स्पॉट और रीच आता है और ट्रीट मुश्किल है, पालने में थोड़ा डेलिकेट है, वरना खूबसूरती में कोई तोड़ नहीं है, खूबसूरती में फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, देखो मरीन वगैरह भी ट्राई करके देखो, मैं देख लिया शॉट लिया मैंने, हाँ मैं भी लिया और शॉट ले लिया, तो फ्रेंड यहाँ पर मिल गए अपने भाई लोग, कैसे हैं इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम, एडीएफ वाले इमरान भाई, कैसे बोल देखो बढ़िया अल्लाह का शुक्र, आप लोग बोलना दीजिए फोन करके आ रहे करके, देखो अभी इवेंट हमारे यहाँ पलाड यूट्यूब पे तुमने डाले अपलोड तो हम लोग यहाँ पहुँचे, अरे बहुत बहुत शुक्रिया, देखो फ्रेंड मैं अपडेट डाल दिया था, मेरा यार बहुत टाइम हो गया ना, मिलने भी नहीं मिल रहा था, और कैसे बोलते हैं क्या बोलो बच्चू, वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है, जोहान, माशाल्लाह तुम्हारा लड़का चाचा का लड़का, अरे माशाल्लाह जोहान, हाय करो जोहान सबको, हाँ ये जोहान है, देखो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, इज्जत भाई है ना ओके खड़े, इमरान भाई भी, क्या नाम है आपका, हाँ सलाम अलैकुम, माशाल्लाह फिश देख रहे मजा आ रही है, मैं कौन सी फिश पसंद, नाम बोलो नाम, डिस्कस पसंद है, चाचू है ना, चाचू का लड़का, हाँ एक ही भाई बहन, तो डिस्कस फिश पसंद है कि नहीं, घूमते कि नहीं हैचरीज पे, हाँ यूट्यूब पे आना है ना, यूट्यूब पे, हाँ देखो अभी तुम आएंगे यूट्यूब पे, हाई कर दो सबको एक बार, हाई करो, हाई कर दो, हाई करो, यहाँ पर हमारा गेट टुगेदर भी हो रहा है, आप लोग देख रहे थे इमरान भाई इम्तियाज भाई, और यहाँ पर पूरा ग्रुप खड़ा है ना भाई, ये लोग कोई जानता नहीं है तो मैं मिला था भाई, एडीएफ उमेर भाई ये लोग, ठीक है ये प्रसाद भाई, भाई प्रसाद सालूम के, इब्राहिम भाई, हाँ रितेश भाई, अरे नहीं भाई देखो लोग है ना तो अपने को प्रमोट करने में कोई शर्म नहीं है, अपने तो वही है कि भाई सब लोग आगे बढ़ो, अब वो इंजीनियरिंग कर रहा भाई, आंडू पांडू नहीं है, आने वाले टाइम में भाई बहुत आगे जाएगा, क्या बोलते हैं रितेश भाई, हाँ तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर एक बीटा पिच देखिए खदीजा के लिए, हम लोग सोचा है खदीजा के लिए एक शूट कर लेंगे, देखो कितनी अच्छी है, अभी इससे अच्छे हम लोग ने खरीद के लाया, और एक और वाइट कलर की आने वाली है, एक ग्लिम शॉट के लिए मैंने लिया है खदीजा को दिखाने के लिए, और भी आप लोग को दिखाता कैसा है, छोटे छोटे सेटअप है, और यहाँ पर भी बहुत अच्छी बीट है, यहाँ पर भी एक है, और यहाँ पर भी है, ये प्लंकेट है, तो फ्रेंड मुझे सबसे अच्छी ये लगी, जैसे बीटा का सबसे अच्छा नॉलेज रहेगा तो बताएगा, ये सबसे अच्छी लगी मुझे, अभी खदीजा के लिए तो मैंने शूट कर लिया है फ्रेंड ये, तो आप लोग भी वीडियो में कमेंट करो, मैसेज करना कैसी लगी, ठीक है, ये प्लंकेट क्वालिटी में आती है, आते फूड सेक्शन में और दूसरे एनिमल जो है उसके बारे में, अभी कैमरा मैं बंद नहीं करूंगा, ठीक है जो आएगा मिलेगा देखेंगे, अभी इधर क्या क्या है देखते हैं, क्या होते इब्राहिम भाई क्या है इधर,
किसका का है? किसका का भी है, देख सकते हैं आप यहाँ पर सैंपल रखे हुए हैं। विभ्रम भाई देख रहे हैं सैंपलिंग में, देखेंगे उसमें क्या है अनिल डिसूजा के साथ एक्वाडिस को तो मिलना ही था। एक्वाडिस का मैंने इनका आउटलेट भी देखा, शूट भी किया है चैनल पे, देखो बताओ कमेंट करो कैसा लगा। और सर का हैचरी भी सेटअप कहाँ पे है सर? अंधेरी वेस्ट में है, अंधेरी वेस्ट में है। और मेरा खाली एक ही रिक्वेस्ट रहता है, मुझे फोन करो, मेरे अवेलेबिलिटी पे आ जाओ, नहीं तो मेरे लड़के बाहर खड़ा कर देते हैं। ऐसे भी लोग मुझे बोलते हैं कि भाई इनका दहशत है ये आदमी, इनके स्टाफ बहुत रूड है, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फोन करो और आ जाओ। अपनी लाइन में तो थोड़ा होना ही चाहिए भाई, मेरे डिस्कस मेरे लिए बहुत प्रेशर है और उनके लिए मैं कुछ भी करूँ, रूड तो रूड कहीं भी है, नहीं नहीं कहीं पर भी आओ विदाउट इन्फॉर्म किए मत आओ, डायरेक्ट मत आओ, इन्फॉर्म करो, बात करो और फिर बाद में आओ तो आपको प्रॉपरली मैं टाइम भी दे पाऊंगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स अभी मिल गए यहाँ पर मेरे स्कूल के, बोलते ना बचपन का दोस्त मेरा अमान भाई है ना, और उनके साथ में है जिया भाई रॉयल पेट, रॉयल पेट से इनकी शॉप जोगेश्वरी में। तो जिया भाई क्या क्या है मतलब वैरायटी अपने पास में पेट्स के अंदर? सारी चीज़ अवेलेबल है आपको वहाँ पे, पेट्स के रिलेटेड, फूड्स के रिलेटेड, एसेसरीज एंड वर्ड्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए। बोलते ना एक वन स्टॉप पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी जो भी आपको पेट्स के रिलेटेड चाहिए। तो हम लोग अभी बात तो कर लिया मैंने वीडियो की, इंशाल्लाह कभी रब्ता जारी करके एक वीडियो जरूर बनाएंगे पेट्स। ठीक है, और इमरान भाई क्या हाल है? मेरा भाई भी करता है भाई पर्शियन कैट में, कैट्स में करता है। देखो आप लोग, मैं तो मिल गया तो वो ही बहुत खुशी है भाई, बहुत साल के बाद मिल रहे हैं। मिलते काम जल्दी, हाँ जल्दी मिलते नहीं, काम में बिजी रहते इतना। अपनी वीडियो सब्सक्राइब वालों को हाई कर दो, देखो अगर मिलेगा हाँ सब्सक्राइब करो लाइक करो भाई। ठीक है, और आगे अगर मिलेगा तो अपन जरूर आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे एक वीडियो। हाँ भाई, हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग आए ग्रेन जीरो की आउटलेट पर, जो कि अभी आज एग्जीबिशन सेंटर में लगा हुआ है। तो ये बताएंगे ग्रेन जीरो के बारे में थोड़ा शॉर्ट में, कैसा प्रोडक्ट है? इट्स अ ग्रेन जीरो, इट्स अ ग्रेन जीरो कॉन्सेप्ट, नो कॉर्न, नो व्हीट, नो सोया, नो राइस, बेसिकली प्योर चिकन वेजिटेबल विद एग्स, नथिंग एल्स। तो ये कैट डॉग दोनों के लिए? दोनों के लिए है, कैट एंड डॉग दोनों के लिए, फ्रॉम किटन टिल पर्शियन एंड एडल्ट, एंड पपी के लिए भी आप ले सकते हैं स्टार्टर एंड एडल्ट इन डॉग। इतना डॉग्स का तो नॉलेज नहीं है, मैं तो एज अ फिश कंटेंट शूट करता हूँ, sure. लेकिन डॉग्स के लिए भी अगर बोलूँ प्रॉपर ग्रोथ न्यूट्रिशन सारी चीज़ें, 100% ग्रोथ है उसमें। अच्छा, एंड अगर आप कैट के लिए हो तो कैट में हमारा जो ओशन फिश, मैकरल एंड सार्डिन तीनों भी एक ही वेरिएंट के अंदर, एक ही बैग में मिलेंगे आपको। ओके फ्रेंड, देखो अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो इनसे कॉन्टेक्ट करो, मैं एक छोटा सा ग्लिम्स ले लेता हूँ, ये है वो प्रोडक्ट। ठीक है, और एक छोटा सा मैं ले लूँगा बाद में ग्लिम्स शॉट के लिए, वो भी देख लेता हूँ। ठीक है, हाँ थोड़ा इमरजेंसी काम था, हम लोग जल्दी आने का सोचे थे बट संडे था, थोड़ा लेट हो गया, तो 11 बजे के डीजे पुट इज लाइव। ठीक है इम्तियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। ठीक है, और माफी भाई, माफी, नहीं नहीं सोचा थोड़ा अपने कंटेंट छुड़ी आएगा, नहीं तो मैं चल जाता था। नहीं कोई बात नहीं, इज ओके, थोड़ा मेरे को इमरजेंसी काम था और थोड़ा मेरा काम है इसके लिए आए, बहुत बड़ी बात है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतने हम लोग मिले, मजा किए, एंजॉय किए, अभी आगे का जो है रितेश भाई है और बाकी जो हमारे भाई है इनके साथ इमरान भाई मजे करेंगे, थोड़ा मिस करो लेकिन नेक्स्ट टाइम पे हम लोग मैं एंडिंग कर ले देखूंगा, अगर आप रात में आएंगे ना खाना लेने, पक्का 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 खाना लेने का, तभी आपको बता दो पक्का, मुझे चाहिए भी। हाँ ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर तो हम लोगों ने बहुत सारी जगह शूट किया, ठीक है, बहुत मजा भी आया, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत मजा आ गया, जहाँ पर हो सके बड़े बड़े लोगों से मिले, जहाँ पर वीडियो हो सका पॉसिबल वहाँ पर वीडियो बनाए, जहाँ पे नहीं हो सका पर्सनली मिले, लेकिन इन पर्सन मिलके मैं अमय सालवे से मिला, बहुत मजा आया, रितेश भी मिला जैसा वीडियो में दिखते वैसे वो नहीं है भाई, बहुत अच्छे आदमी है और बहुत मजा आ गया उनसे मिलके, और भी एंजल ब्रीडर्स वगैरह सबसे मिले हम लोग। रितेश भी आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा, मतलब मैं बोलूँगा आप एग्जीबिशन विजिट करो, बहुत कुछ सीखने मिलता है, अलग अलग नए जो टॉयज आते हैं अपने पेट्स के लिए, नए नए वेराइटीज, नई नई चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने मिलती है, तो यहाँ पे आके आप जुड़ोगे, नए लोगों से मिलोगे तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज बटोरोगे, मिलोगे आपको, आप ट्राई करना कि आप एग्जीबिशन में आया करोगे, ऐसा घूमो जाना, मुझे भी सीखने मिला बहुत कुछ। नहीं मैं भी देखो मेरे को ऐसे ही था, मैं इम्तियाज भाई को भी इसके लिए लेकर आया और ये लोग को भी इसके लिए लाया ना कि भाई आया तो देखो नए नए लोगों से मिलने मिला ना, यही बात होती है, और यही बात मैं रितेश को भी बोला था
कि लोगों से मिलोगे नहीं तो जान पहचान किससे बढ़ेगी भाई। कि अपनी इंडस्ट्री में बहुत प्यारे भाई, बहुत अच्छे लोग पड़े, समझ गए। इतने बड़े लेवल पे भी मैंने अभी इतने लोगों से मिले हम लोग। रितेश एकदम हम्बल। रितेश मेरे को बोलता है इमरान भाई तू मिला, मैं नहीं भाई, हम लोग भी जो लोग से सीखे है ना वो लोग ऐसे ही है। तो फ्रेंड ऐसे ही लोग होते हैं, जो बड़े बन जाते ना तो अपने आप को जो छोटा बना के चलता है वही आगे बढ़ता हमेशा। तो फ्रेंड बहुत मजा आ गया, आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आया बताना। अभी थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे है ना, क्योंकि अभी दोपहर का हो गया, अभी तक लंच वगैरह हुआ नहीं है, तो लंच वगैरह पे जाएंगे। इम्तियाज भाई तो चले गए, मैं और रितेश बचे, प्रसाद भाई है साथ में, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और अभी हो गया, यहाँ पर जितना शूट करना था पूरा कर लिया है। अभी इब्राहिम भाई हम लोग है, क्या बोलते हैं इब्राहिम भाई? हाँ हाँ इब्राहिम भाई, मजा आया कि नहीं? एक नंबर भाई है ना, जो नहीं आया वो बहुत पछताया होगा। सही में ना, अच्छा हुआ मेरा पर्स। मैं जितने लोग को रिक्वेस्ट किया, मैं कितने लोग को रिक्वेस्ट किया कि आ जाओ भाई, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। रात को बोले जाने का, कल चलो बोला, मैं पहला कल मैं रितेश को बोला, मैं रात में भी फोन किया रितेश देखा, मैं सोते ही बोला कि भाई कल जाते हैं, फिर से मिलेगा नहीं मिलेगा मौका पता नहीं। सही बात है भाई, तो मजा आ गया। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे भाई, है ना। क्या होता है प्रसाद, थैंक यू वेरी मच आने के लिए भाई। हाँ थैंक यू वेरी मच भाई, हाँ भाई थैंक यू वेरी मच आने के लिए भाई, ठीक है। और अमय भाई से मिलाने को भी थैंक यू, अमय भाई इसका दोस्त है यार, मजा आ गया। अभी हम लोग अमय भाई ने अपने को इनवाइट किया है, हाँ भाई अपन जाने वाले हैं हमें यहाँ, बहुत मजा आएगी फ्रेंड। वो ब्लॉग का इंतजार करो, जैसे भी लाइंड अप होएगा तो हम लोग आएंगे। क्या होते प्रसाद भाई? रायगढ़। पर ख़त्म, और बहुत थक गए थे, खाना भी बाकी था दोपहर में सबका। और इब्राहिम भाई के यहाँ चले गए थे हम लोग एंडिंग में। इब्राहिम भाई जो आप लोग देखे साथ में उनके भी सेटअप पे, उन्होंने बोला था आपने अगर व्लॉग में देखी नहीं होगी फिश तो देखना, हम लोग ने उनको एक लॉट दिलाया था, अभी मैं पर्सनली जाकर देखा हूँ, और हमारे खाने का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, और बहुत ही ब्यूटीफुली रेस की है उन्होंने। वीडियो बहुत ही जल्द आ रहा है, ये वीक नहीं मुझे नेक्स्ट वीक का बोले, तो नेक्स्ट वीक यानी ये संडे, कमिंग संडे नहीं उसके नेक्स्ट संडे में, और वो उनका भी यानी जो हैचरी का वीडियो है वो भी आएगा, तो वो भी देखना। और आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो एग्जीबिशन का, हमारे चैनल ESD डिस्कस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। और जितने भी लोग वहाँ पर मिले मुझे एग्जीबिशन में, और जितने लोग ने भी मिले प्यार से ग्रीट करा इसके लिए, और जितने भी सब्सक्राइबर्स भी मिले मुझे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। और जितने भी जूने लोग भी मिले बहुत ही हम्बली मिले इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा ख़राब भी था, मतलब ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस ही था, ठीक है। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, थैंक यू वेरी मच।